24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं जनता का शो, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता का हर मुद्दा बुलंद होता है, लोग अपने विचार रखते हैं, साथ ही साथ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहता है जो कि एक सोल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करता है। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। मुद्दा है अरविंद केजरीवाल और देश की सियासत से जुड़ा हुआ। अब तक सलाखों के पीछे थे अरविंद केजरीवाल, अब बाहर आ चुके हैं। बाहर आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक नहीं दो नहीं बल्कि देश को 10 गारंटी दे दी है। अब सवाल ये कि क्या वाकई इंडी गठबंधन की सरकार बनने के बाद से इन 10 गारंटीज को पूरा किया जाएगा। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें इंडी गठबंधन का एक भी नेता मौजूद ही नहीं था, सिर्फ बड़े नेता के तौर पर अरविंद केजरीवाल मौजूद थे। तो सवाल सबसे बड़ा कि आखिर होगा क्या, इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारत माता की, इनकलाब वंदे। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 10 गारंटी देकर नई बहस को जन्म दिया है। केजरीवाल ने यह गारंटी इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर पूरी करने की बात कही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि केजरीवाल जब गारंटी का ऐलान कर रहे थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया अलायंस का कोई नेता मौजूद नहीं था। सबसे पहले देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अलायंस की ओर से क्या गारंटियां दी हैं। केजरीवाल की 10 गारंटियां, 24 घंटे मुफ्त बिजली की गारंटी, बेहतर और मुफ्त शिक्षा की गारंटी, शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था, चीन से जमीन वापस लेने की गारंटी, अग्निवीर योजना बंद कर अग्निवीरों को पक्का करने की गारंटी, किसानों को MSP की गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य की गारंटी, 1 साल में 2 करोड़ रोजगार की गारंटी, भ्रष्टाचार से मुक्ति की गारंटी, GST का सरलीकरण करेंगे और PMLA से बाहर करने की गारंटी। केजरीवाल ने सभी गारंटियां इंडिया अलायंस की ओर से की है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा करके केजरीवाल ने खुद इंडिया अलायंस की तरफ से नेता क्या घोषित कर दिया? अगर नहीं तो सिर्फ दो राज्यों में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल गारंटी का ऐलान किसके दम पर कर रहे हैं? राजनीतिक गलियारों में अब इसकी चर्चा तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहने वाला है। कौन कौन खास मेहमान मौजूद रहेंगे सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ संजीव कौशिक जी मौजूद रहने वाले हैं, सर्वेश पाठक जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, हाजी नाजिम साहब मौजूद रहेंगे, अश्विनी मिश्रा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, अनिल गर्ग जी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ रवि अरोड़ा भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। सभी का भारत 24 पर जनता की आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव जी के साथ शुरुआत करने जा रही हूँ, एक नहीं दो नहीं संजीव जी, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। 10-10 गारंटी अरविंद केजरीवाल ने देश की जनता को दे दी है, ये सभी कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन इंडी गठबंधन का एक भी नेता मौजूद ना होना क्या कहता है? देश की जनता को ये 10 वादे अच्छे लग रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोगों को अच्छे लग रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी को इसमें नाक नुक्स निकालना है। सवाल यह है कि मुफ्त में यदि बेहतर शिक्षा हो तो किसको एतराज है इस पे? बिजली यदि मुफ्त में मिले किसको एतराज है? पानी मुफ्त में मिले किसको एतराज है? उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था करेंगे, गांव में भी मोहल्ला क्लिनिक की स्थापना करेंगे। कौन सी ऐसी योजना है जिससे आप इनकार कर रही हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? ये जितनी योजनाएं हैं इसमें से अधिकांशता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को दिखा दिया है, देखे और लोग पसंद कर रहे हैं। लगातार लोगों को लग रहा है कि नहीं, हमारे लिए कितना मजबूत ये सरकार काम कर रहा है और लगातार उसको स्नेह और सम्मान भी दे रहे हैं। क्या ऐतराज है? भारतीय जनता पार्टी के जैसे केवल जो अमीर है अमीरों की राजनीति की जाए, जो अमीर हैं 10 सालों में केवल अमीर हुए हैं और गरीब केवल गरीब हुआ है, तो गरीबी और अमीरी के बीच के जो खाई को पाटने का कोशिश एक पार्टी है जो कोशिश कर रही है, उससे किसको परेशानी है? ठीक है, किसी को परेशानी कोई खास परेशानी नहीं है, लेकिन जिनको परेशानी है वो सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जो मेरा सवाल था वाकई, कि इंडी गठबंधन की ओर से ये ऐलान किया है अरविंद केजरीवाल ने, एक गठबंधन है उसकी ओर से, लेकिन कोई भी नेता मौजूद क्यों नहीं था, सिर्फ अरविंद केजरीवाल अकेले? तो इंडिया गठबंधन के लोग इस पे सवाल उठाते हैं, आप क्यों सवाल उठा रही हैं भाई? पत्रकार हैं इसलिए सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, अगर आवाज उठी गई है तो दबा दीजिए या फिर जवाब दे दीजिए, बताइए इंडी गठबंधन का कोई नेता मौजूद क्यों नहीं था? सारे लोगों के सहमति से जो जैसे है हिंदुस्तान के बेहतरी के लिए सब लोग एक साथ है और वो काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। कोई ऐसी योजना उसमें हो जो आपको दिखाई दे रहा हो कि हिंदुस्तान के लिए बेहतर नहीं है, बात कीजिए उस पर, चर्चा कीजिए। अच्छा, बस
एक नया विषय बता रहे हैं आप, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अनिल गर्ग जी, संजीव जी दे ही दे रहे हैं। बार बार एक ही सवाल पूछा कि इंडी गठबंधन का नेता क्यों मौजूद नहीं था। क्या वाकई सिर्फ अरविंद केजरीवाल अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं और मानने लग गए हैं या मानने वाले हैं भविष्य में? देखिए, दो कहावत मैं बोलना चाहता हूँ। एक है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इंडी गठबंधन बिल्कुल वैसा है। सबके अपना अलग मैनिफेस्टो है, सबका अलग अलग गारंटियाँ हैं, और सारी गारंटी मिला दी जाए तो इतनी लंबी लिस्ट बन जाएगी कि कुछ होने वाला नहीं। और क्यों कह रहे हैं, इनको भी पता है ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना इंडी गठबंधन ने सत्ता में आना है। इसलिए आप कुछ भी वादे कर दो, ऐसे लोग लवानी वादे तो कर ही दो कि कम से कम सुनने में तो मजा आए। अभी ये कह रहे हैं कि क्यों होना चाहिए, आप मुझे बताओ, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का सबसे, अगर कोई खिलाफ कोई ताकतवर व्यक्ति है तो वो मैं हूँ। कौन व्यक्ति कह रहा है? वो उस पार्टी का व्यक्ति कह रहा है जिसके पास आज 0 सीट है लोकसभा में। और किस व्यक्ति को कह रहा है? जिसके पास 302 सीटें हैं। वो व्यक्ति कह रहा है जो सिर्फ 22 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, कह रहा है मैं सरकार बनाऊंगा तो ये वादा कर रहा हूं और ये पूरा कर दूंगा। और किसको कह रहा है? जो 400 से ज़्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं। मेरा मतलब आपस में मुकाबला ही नहीं है, बात ही नहीं है। और ये कह रहे हैं, अभी संजीव भाई की बात कर ले, ये कह रहे हैं क्यों पूछ रहे हैं आप सवाल? इससे पहले पूछ ना, अरविंद जी ने ये सवाल किया कि मोदी जी और शाह जी खत्म कर रहे हैं बीजेपी के नेतृत्व को, उनको उनका क्या मतलब था? बीजेपी का अंदरूनी मामला, किसी को बढ़ाएं किसी को घटाएं, अपनी बात क्यों नहीं करते? ठीक है, उन्होंने योगेंद्र यादव को खत्म किया, शशि भूषण को खत्म किया, प्रसाद भूषण को खत्म किया, किरण बेदी को खत्म किया, कुमार विश्वास को खत्म किया, शाहजी अलमी, जो भी नेता इस मैन नहीं हुआ उसको तुरंत पार्टी से बाहर कर दिया। अपना घर दिखता नहीं, दूसरे के घर में जा करें। इनके पास करने कुरने कुछ नहीं है। एक ही बात पक्की है, वो सिर्फ चुनाव प्रचार करने आए हैं और 2 तारीख को वापिस तिहाड़ जाएंगे अपनी करनी के कारण। ठीक है अश्विनी जी, अच्छा अश्विनी जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। अश्विनी जी, सवाल क्यों ना पूछें? सवाल तो पूछेंगे क्योंकि जनता जानना चाहती है। कल ऐसा ना हो कि वाकई इंडी गठबंधन की सरकार इनके ऊपर एतबार करके बना दी जाए और बाद में ये कहें कि भाई ये ऐलान तो अरविंद केजरीवाल ने किया था, वो जाने, या तो हमारी सरकार है हम क्यों पूरा करें, क्यों 10 गारंटी दे भाई। शाजिया जी, जब कोई पार्टियां गठबंधन करती हैं तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत गठबंधन करती हैं, उनकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, चाहे वो 26 पार्टियां 28 पार्टियां इंडिया गठबंधन की हो या एनडीए गठबंधन की हो। क्या मोदी जाके हर अपने गठबंधन से पूछते हैं कोई प्रॉमिस करने से पहले? नहीं ना, क्योंकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है पार्टियों के बीच में। अरविंद केजरीवाल जो वादे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें से काफी सारे वादे जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो हैं उसमें दिखते हैं, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ वादे किए जा रहे हैं, जो मुझे लगता है सबकी अंडरस्टैंडिंग और सहमति उसमें है, उसमें एक्सप्लिसिट सहमति देने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात आप विषयों की बात करें, कौन से प्रॉमिस किए गए, जनता के सरोकार के मुद्दे हैं, सबके लिए कॉमन मुद्दे होने चाहिए, हर किसी के मैनिफेस्टो होने चाहिए। अरविंद केजरीवाल जेल से निकल के अगर प्रॉमिस करते हैं, आप उससे प्रगलीफ है, देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं ऐसी बात कर क्यों रहे हैं। कहीं कहीं घबराहट सी है कि अरविंद केजरीवाल अगर सच में सरकार बना लेंगे, जो कि बनने वाली है 4 जून को, अगर 4 जून सरकार बनेगी, तो मुझे लगता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के मुद्दे हैं जो हर पार्टी, कोई घबराहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, बस गारंटी ये भी चाहिए कि जो गारंटी दी गई है वो पूरी जरूर पूरी होगी। कल ये ना हो कि इंडी गठबंधन की सरकार बन जाए और कहे तू कहां, देख लो मोदी जी के आप मैनिफेस्टो निकालो 2019 का, देखो कितनी गारंटियां मिली, आप लिखा के रख लो, जो गारंटी दे रहे हैं वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, अगर सरकार आती है तो उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है कि आप मैनिफेस्टो 50 बातें लिख दो, 2 करोड़ रोजगार लिख दो, किसानों की हालत अच्छी हो जाएगी, क्या क्या वादे किए थे, किसी को कुछ रत्ती भर फायदा हुआ देश में? और इसीलिए इस बार चुनाव जो है सिर्फ और सिर्फ 3 मुद्दों पर हो रहा है, एक बेरोजगारी, दूसरा भ्रष्टाचार और तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और एक मैं स्लिप कर रहा हूँ, 3 बेसिक मुद्दे हैं जो डीएस के सर्वे में आए थे, इसमें 60% जनता सरोकार रखती है। ठीक है सर्वेश जी, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। सर्वेश जी, 24 घंटे मुफ्त में बिजली दी जाएगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी गारंटी सबसे ऊपर लिखा हुआ है जो अरविंद केजरीवाल ने दिया, बताइए इससे बड़ा क्या होगा, कैसे बीजेपी संभव कर पाएगी ये सब कुछ, तो फिर किसकी सरकार बनेगी? देखिए अरविंद केजरीवाल सचमुच जो बोल रहे हैं 22 सीटों पर लड़ रहे हैं, उसके अलावे उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने इंडी गठबंधन के किसी भी पार्टी से ये बात पूछ के नहीं दी है, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम देख लेंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, जब हमारी सरकार आएगी तो हम देख लेंगे, 6 महीना ये पार्टी का अरविंद केजरीवाल, तो 6 महीना राहुल गांधी, तो 6 महीना ममता दीदी, तो 6 महीना स्टालिन बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, आप कह रहे हैं कि ये जो हमारे पहले भाई ने बोल दिया कि ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, इन्होंने इतनी बार मीटिंग की, कभी पार्टी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इस देश की जनता को दिखाया, इंडिया अलायंस का नहीं दिखाया। दूसरी बात देखिए कितना विरोधाभास है, यही आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ, जो कांग्रेस 2009 में क्लीन स्वीप की थी, 7 में से 7 सीट लाई थी, उसको मात्र 3 सीटें देते हैं और खुद 4 सीटें लेते हैं, और वही आम आदमी पार्टी पंजाब के 13 सीटों पर कांग्रेस को गाली देगी, कांग्रेस के खिलाफ
लड़ रही है। तो जब इनके पास खुद एक राज्य से दूसरे राज्यों में लड़ने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ रहे, ममता बनर्जी वहां पे अरे तकलीफ हो रही है कि आप जनता को बेवकूफ बना रहे हो। एक राज्य में आप गठबंधन कर रहे हो, दूसरे राज्य में आप कह रहे हो कि हम अलग अलग है, तो कितने बड़े महामूर्ख बना रहे हो आप जनता को। जनता को डेमोक्रेसी में नहीं, आप एक झूठ हो, झूठे हो, मक्कार हो। और आज तो सुनिए, आज अरविंद केजरीवाल के शीश महल में उनकी जो पुरानी महिला आयोग की अध्यक्ष थी उसको धक्के मार के गाली दे के निकाला गया है। अब देश की जनता, दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि महिला आयोग की अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के घर में यानी कि मुख्यमंत्री हाउस में सुरक्षित नहीं है, तो उन दिल्ली की महिलाओं का क्या होगा जो इससे पहले दम भर रहे थे? आप इसका जवाब क्या है आपके पास, ये बताइए। ठीक है, हाजी नाजिम, एक गारंटी और दी गई है। गारंटी दी गई है बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा और डिटेल प्लानिंग की जाएगी इसके ऊपर। तो क्या अभी दो दो बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, पंजाब में भी सरकार है, इतना समय काफी नहीं था बेरोजगारी खत्म करने के लिए, डिटेल प्लानिंग के लिए? कि अब लोकसभा चुनाव सर पर है, चुनाव चल रहे हैं, तब ये बयान दिया जा रहा है कि हम डिटेल प्लानिंग करेंगे बेरोजगारी पर। बेरोजगारी अब जाके मुद्दा बना है। देखिए साजे जी, बेरोजगारी मुद्दा तो बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम भारत के 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देंगे, लेकिन आज तक 10 साल हो गए, टाइम फिक्स हो गई 10 के जगह, अभी तक उन्होंने 1 करोड़ नौकरियां तक नहीं दे पाए। मैंने अरविंद केजरीवाल पर सवाल पूछा था, आपने प्रधानमंत्री पर सुन लिया लग रहा है। हाँ सुनो तो सही, जब मुल्क के वजीर आजम ये कहते हैं कि देश के अंदर सबको सम्मान मिलेगा, सबके साथ विश्वास, सबके साथ का विकास, लेकिन जब बाद में क्या आता है, वहीं पर ये लोग क्या कहते हैं कि देख लीजिए देश के अंदर केजरीवाल जी जो बार बार ये कहते हैं कि हम देश के अंदर अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे। तो मैं बार बार उसी बात को सुन तो लीजिए, मैंने बार बार इसी बात को कहता था कि हमें संविधान पर विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट से हमें जमानत मिलेगी, तो 21 दिन की जमानत हमें मिली है, ईश्वरीय शक्ति है, अल्लाह का शुक्र है कि केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए। नहीं नहीं नहीं, आपने तो अलग ही भाषण दे दिया। मेरा सवाल ये था कि बेरोजगारी का मुद्दा आपको इतने सालों बाद से याद आ रहा है, जो शुरुआती वक्त में ही होना चाहिए था मैनिफेस्टो में, होगा भी हालांकि, लेकिन अब क्यों ये बात कही जा रही है कि डिटेल प्लानिंग अब करेंगे? हाँ साजिद जी, जब मुल्क के वजीर आजम, सुन लीजिए, जब मुल्क के वजीर आजम 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा करते हैं तो नहीं दे पाते, तो फिर हमें सोचना पड़ता कि देश के बेरोजगारों को किस तरीके से नौकरियां दी जाए। अभी आपने देखा होगा 83% ये आया था कि भारत के युवा बेरोजगार है, लेकिन क्या, अरे सुन लीजिए, लेकिन क्या हुआ, अभी तक उनके लिए कुछ नहीं हो पाया। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब इंडिया अलायंस की जब सरकार बनेगी मजबूती के साथ, तो जो बेरोजगारी है भारत से पूरी तरीके से खत्म करी जाएगी, महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी। और सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, जब भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, मैं अमेरिका की बात नहीं करता हूं आप लोगों से, क्योंकि मैं भारतीय हूं, भारत का, भारत में संविधान चलता है, मैं हाजी नाजिम संविधान के बड़े रेस्पेक्ट करता हूं। और सुन लीजिए, मैं बार बार इसी बात को कहता हूं कि ये देश के अंदर जब तक ये बेरोजगारी चरम पर रहेगी, तो हमेशा भारत का युवा क्या करेगा, धार्मिक नारे लगाता रहेगा, इधर भीड़ में जाकर कभी अपना भविष्य तलाश नहीं करेगा। लेकिन हमारे केजरीवाल जी ने क्या कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपको बेरोजगारी से रोजगार देंगे। तो यही तो गारंटी है। अगर ये गारंटी, अगर मोदी जी जो बार बार कहते थे 2 करोड़ को, अगर शायद 1 करोड़ प्रतिवर्ष भी अगर दे देते तो 10 करोड़ को आज नौकरी लगी हुई होती। बड़ी बात। ठीक है रवि अरोड़ा जी, क्या वाकई इस बार इंडी गठबंधन भारी पड़ने वाला है भाजपा के ऊपर, एनडीए के ऊपर, ये मान के चला जाए? क्योंकि एक हवाला जो दिया गया है, कहीं ना कहीं उसमें दम तो दिखता है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार उसमें सफल नहीं हुई है, इसलिए अब हम सोच रहे हैं, हमने 10 गारंटी दी है और उसमें महत्वपूर्ण गारंटी ये भी। देखिए लोकसभा का महापर्व है, आप इसमें ये समझिए कि जब लोग वोट देने जाते हैं तो उनको ये पता होता है कि वो किस आदमी को वोट देने जा रहे हैं। एक सरकार, आपको स्थायी सरकार चाहिए या 5 सालों में 5 प्रधानमंत्री चाहिए? आप रोज नए नए दावे किए जाते हैं। आप अभी सुनिए, चीखने से बात नहीं बनती, गलत बात नहीं करिए आप, गलत बात मत करिए। सुनिए, यहाँ से स्थायी सरकार चाहिए, लोगों का पैसा लगता है और एक देश एक चुनाव होने वाला है 2029 में, यही बता दूं मैं आपको। और सबसे बड़ी बात, ये जो सरकार है मोदी जी के सामने कोई असल में विपक्ष का कोई बड़ा नेता ही नहीं है, कोई चेहरा ही नहीं है, आप बताइए ना,
आप बताइए आपके पास चेहरा कौन सा है? आप बताइए आपका केजरीवाल है, राहुल गांधी है? लेकिन सुन लीजिए, हमारी अपनी सरकार आजादी से लेकर देश की आजादी से लेके अब तक एक गांधी नेहरू परिवार को ठेका मिल गया देश को चलाने का, मतलब इनके पास कोई चेहरा ही नहीं है। आप बताए मोदी आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि आपको फिर गांधी को बिठाना है? हम तो कहते हैं युवाओं को रोजगार दीजिए ना, क्यों नहीं दे रहे आप? अनिल गर्ग जी, अनिल गर्ग जी, अग्निवीर योजना को लेकर कहा गया है कि बंद करेंगे और ये गारंटी दी गई है, इसका क्या मतलब है? क्या इतनी खराब योजना है, इतनी बुरी है, या फिर सिर्फ एक दुष्प्रचार है? सवाल ये है, देखिए कोई योजना में गुण दोष हो सकते हैं, उसको विचाराधीन में लाया जा सकता है, उसको अपडेट भी किया जा सकता है, उसको अमेंड भी किया जा सकता है। मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कि इसको अमेंडमेंट करना चाहिए नहीं चाहिए, आप विचार करिए, कुछ चीज़ आपको लगता है एडिशन करनी करिए, कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी करिए, ये बात नहीं। लेकिन अग्निवीर योजना ही खराब है, जो इसके अंदर योजना के अंदर जो लोग भर्ती हो रहे हैं, सुन तो लो यार। हाँ, किसान बिल मैं अभी भी दोबारा कहता हूँ, अगर किसान बिल इम्प्लीमेंट हो जाते तो किसानों की जो आय की आप चर्चा कर रहे हैं, अग्निवीर में अच्छा क्या ये बताओ, अग्निवीर में अच्छा क्या है? मैं बता रहा हूँ, आप पहले बोल लो फिर मैं बोल लेता हूँ। अच्छा ही बताइए। हम बता रहा हूँ ना भैया, बता रहा हूँ ना, वापिस लेने की बात नहीं कर रहा मैं अभी, मैं कह रहा हूँ वापिस भी आप कह रहे हो ले लो, आप तो 370 वापिस लेने की बात करते हो, आप तो कह रहे हैं राम मंदिर में वापिस हम राम मंदिर से मूर्तियां निकाल लेंगे, क्या बात कर रहे हो? कौन को 370 वापिस लेने की बात आपके इंडी गठबंधन के नेताओं ने नहीं की? 370 लेने वापिस लेने की बात आपके इंडी गठबंधन के नेताओं ने बात की नहीं की? पहले बताइए 370 की बात। लेकिन अग्निवीर को लेकर हम बात कर रहे हैं, अग्निवीर को लेकर हम बात कर रहे हैं जिसको लेकर गारंटी दी गई है कि वापस लिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मेरा ये कहना है अग्निवीर में अगर आपकी 4 साल की योजनाएं हैं, अगर उसमें से आपको लगता है कि 75% जो वापस आएंगे और 25% और आगे मूव कर जाएंगे, 75% जो आएंगे वह वापस आएंगे, उसके अंदर भी आपको उसमें करीबन 30 लाख रुपए उस युवा को मिल जाएंगे जो 18 साल से 25 साल तक का है, और उसके बाद उन पैसों के साथ बहुत बड़ा बिजनेस करने का एक संभावना बनती है, अन्य जगह नौकरी लेने की संभावना बनती है। ये एक योजना है जो बहुत देशों में चलती है, इसमें गुण दोष मैं फिर कह रहा हूँ हो सकते हैं, लेकिन आप ये कहो जी ट्रेंड इसलिए है, आपने युवाओं के साथ धोखा दे दिया, सैनिकों के साथ धोखा दे दिया, देश की सुरक्षा के धोखा दे दिया, ये निरी बकवास है। ठीक है, इस पर जवाब। क्या बकवास है ये? 18 साल का बच्चा 22 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाएगा, वो और उसके बाद नहीं होगा, एक काम से वापिस आएगा 30 लाख के साथ, 30 लाख देंगे, मैं कह रहा हूँ 30 लाख के साथ वापिस आएगा। आप मुझे बताओ 22 लाख तिरंगा में लपेट के आएगा? आप मुझे बताओ 22 लाख का दर्जा देंगे उसको? गजब की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, जो वहाँ पे अगर कोई इंसिडेंट होता है तो वो शहीद ही माना जाएगा, उसको दर्जे की जरूरत नहीं है, उसको शहीद की जरूरत नहीं है, जो देश के लिए अपनी जान देता है वो शहीद ही होता है, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे सीमा पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, और जो अग्निवीर में नहीं भी होता वो भी होता है। अभी तो आप बोलते हो राजीव गांधी शहीद हो गए, प्रचार करने गए थे, पूरा प्रधानमंत्री सरकार के पास पैसा नहीं है, मतलब आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? पैसा होने का मतलब क्या है? ऐसा होने का मतलब क्या है? एक योजना है, एक सिस्टम है, सिस्टम पे काम कर रहे हैं। 4 साल में 30 लाख रुपए, 4 साल में इनके मंत्री, इनके मंत्री, इनके मंत्री इतनी बेहयाई से कहते हैं कि 4 साल के बाद में वो वापस आएगा, तो उसके पास इतना पैसा होगा वो क्या क्या कर सकता है? दरबारी कर सकता है, वो किसी बैंक में नौकरी जाके नौकरी कर लेगा, और एक मंत्री ने कहा कि वो आईएएस की तैयारी कर सकता है, वो क्यों नहीं? 4 साल की नौकरी करके वापस आने के बाद आईएएस की तैयारी करेगा वो, आईपीएस बनेगा वो, 6 साल तक का उसको मौका है, क्यों नहीं बन सकता? अरे नहीं बन सकता। आप मुझे बताइए किस तरीके की बेतुकी बातें बोलते हैं, वो एक गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए कॉम्पिटिशन पास करके वो अग्निवीर युवा बन रहा है, तो अगर 22-23 साल में वो आ गया तो क्या वो आईएएस IPS, IFS, DSP नहीं बन सकता क्या? अरे क्यों नहीं बनेगा? आपको अपने घर के बच्चों पे सामर्थ्य नहीं है तो दूसरों पे क्यों कर सकते हो? अग्निवीर का क्या योगदान है? अरे अग्निवीर के क्या, देश का हर युवा सशक्त बनेगा, जो जरूरत पड़े तो देश के लिए खड़ा हो सके, आप लोगों की तरह नहीं कि केवल और केवल आप बातें करोगे। अग्निवीर योजना में परेशानी क्या है? मैं पूछता हूँ कि आप ये बताइए, भारत वर्ष के 18 राज्यों में ही बीजेपी या NDA का शासन है, बाकी के 13 राज्यों में, बाकी के जितने राज्य हैं उनका डेटा उठाइए और बीजेपी के राज्य का डेटा उठाइए, बताइए वहां बेरोजगारी का दर क्या है, कितने लोगों को रोजगार दिया इनके जो भी उस राज्य के मुख्यमंत्री है या जिस भी पार्टी का है, वहां के किसानों की आय कितनी की, क्योंकि किसान जो होता है एग्रीकल्चर की जो बात होती है वो स्टेट का भी सब्जेक्ट होता है, क्यों नहीं? पेट्रोल डीजल की प्राइस कहते हैं, अगर सेंटर पेट्रोल डीजल की प्राइस करवाता है, सेंटर की जिम्मेदारी
एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है संजीव जी, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। संजीव जी समझना चाहती हूँ कि गरीबी आप लोगों के लिए हमेशा मुद्दा रहता है, खास करके इंडी गठबंधन के लिए, वो चाहे कांग्रेस रही हो या आम आदमी पार्टी हो या बाकी पार्टी, लेकिन इन 10 गारंटीज में कुछ खास सुनाई नहीं दिया है। कौन सा वादा पूरा? जो 10 गारंटी है, आप मुफ्त बिजली देंगे जी, बच्चों को बेहतर शिक्षा देंगे, बेहतर स्वास्थ्य देंगे, राष्ट्र सर्वोपरि होगा। सबसे पहले इनकी योजना जो अग्निवीर है उसको खत्म करेंगे। अच्छा। ये राष्ट्र सर्वोपरि ध्यान में रखेंगे। नहीं तो इससे राष्ट्र सर्वोपरि कैसे होगा? क्या इससे ही राष्ट्र सर्वोपरि होगा? नौकरी देंगे प्रॉपर। अरे तो कुछ और नौकरी है कि नहीं? देश के किसानों की हालात बेहतर करेंगे, MSP निर्धारित करेंगे, प्रजातंत्र को, दिल्ली को संपूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। यदि उन्होंने कहा कि बेरोजगारी खत्म करेंगे या कम करेंगे, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाएंगे और व्यापार करने के लिए GST के माध्यम से जिस तरह से लूट मार इन लोगों ने बचा रखा है वो खत्म करेंगे। गरीबी का जिक्र नहीं था संजीव जी। गरीबी दूर करेंगे, गरीबी मिटाएंगे। महंगाई है ना, गरीबी महंगाई है ना, महंगाई पर कौन लगाम लगाएगा? ये लोग तो बैठे हुए धरना सेठों के पैसे माफ करेंगे और गरीब गरीब को चूसेंगे। इनकी सबसे बड़ी नीति यही है, अमीरों को अमीर बनाना, गरीबों को और गरीब बनाना, उनको बेहतर शिक्षा नहीं देना, उनको बेहतर स्वास्थ्य नहीं देना। गरीबी हटाओ का नारा तो न जाने कब से दिया जाता रहा है, गरीबी आज तक नहीं हटी, तो इस बार क्या खास होने वाला है? ये ऐसा क्या कर दिया इन्होंने 10 सालों में, ये बताएंगे ना? इनका तो 10 सालों में 10 सालों का जवाब आप मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार न जाने कब से रही और गरीबी हटाओ का नारा देती रही, क्या मिला? मूल मुद्दे, मूल मुद्दे से भागिए नहीं। हिंदुस्तान की जनता को मूल मुद्दे पे रहने दीजिए। मूल मुद्दे पे चुनाव होना है, मंगलसूत्र पे नहीं। फवाद खान, फवाद चौधरी के नाम पे चुनाव नहीं लड़ना है। अभी 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 रवि अरोड़ा जी बता रहे थे कि 50 साल पहले ये नारा दिया गया था। ये नारा गरीबी गरीबी हटाने का नारा, देश आजाद हुई सुई भी नहीं बनाते थे हम, इंदिरा गांधी ने 50 साल पहले किया था, फिर भी देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मैंने कहा कि हिंदुस्तान रोजाना खूबसूरत हिंदुस्तान बनता चला जा रहा है और मजबूत हिंदुस्तान बनता चला जा रहा है। पहले से पहले रोजाना बोले ये बात इस बात पे घेरने वाले लोगों को याद नहीं है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि इस देश के तरक्की में पूर्ववर्ती सरकारों का भी उतना ही योगदान है जितना वर्तमान का। संजीव जी, गरीबी हटाओ का नारा सालों पहले दिया गया था, गरीबी हटाओ की बात सालों पहले की गई थी, आज तक कुछ नहीं बदला। सालों साल आपकी सरकार सबसे ज्यादा रही, अब जाकर गठबंधन बना है, अब नया क्या करने वाले हैं जरा ये बता दीजिए जनता को। स्वास्थ्य, बेरोजगारी, शिक्षा, नौकरी, यही तो गरीबी खत्म करेगा ना। ये चीज मेन चीज यही है और इसी पे फोकस करना है और इन्हीं चीजों पर फोकस नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। और ये बताओ, और इसी 5 लाख की स्वास्थ्य योजना, अश्विनी जी लेकिन मेरा सवाल अब ये है कि बहुत बातें हो गई गारंटी को लेकर के, फिर भी एक तस्वीर जिस पर सवाल लगातार उठ रहा है, चौतरफा सवाल उठ रहा है कि आखिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आई उन्होंने की, उसमें इंडी गठबंधन का कोई नेता क्यों नहीं था? अरविंद केजरीवाल खुद थे वहां पर, इंडी गठबंधन के नेता नहीं है क्या वो? अरविंद केजरीवाल थे और चुनाव चल रहा है, सारे नेता अलग अलग जगहों पर हैं, अलग अलग प्रचार कर रहे हैं, एक नेता वहां कॉमन एग्रीमेंट के साथ बैठे हुए, एक नेता विचार रख रहा है, बाकी नेता उससे ऑलरेडी अलाइंड है, इसमें सवाल कहां का है? अरविंद केजरीवाल भी ना होते, कोई जूनियर नेता वहां बात कर रहा होता समझ में आता। अरविंद केजरीवाल मिनिमम वहां पर एक प्रोग्राम बता रहे हैं कि हम ये 10 गारंटियां दे रहे हैं, तो उसमें अरविंद केजरीवाल है ना वहां पर इंडी गठबंधन नेता, उसके लिए सारे नेता इकट्ठा होना जरूरी नहीं है ना, क्योंकि हर जगह चुनाव हो रहा है, कोई आंध्र प्रदेश में प्रचार कर रहा है, कोई तेलंगाना प्रचार कर रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, सब नेता अपनी अपनी जगह पर हैं, उनकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। विषय साजिया जी सिर्फ इतना है कि हम बार बार चुनाव के मुद्दों को भटका रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल रोजगार की बात करते हैं, अगर अरविंद केजरीवाल गरीबी की बात करते हैं, अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो ये सब तो बात करनी चाहिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 9 सालों में कितने, 10 सालों में कितने रोजगार दिए? मुझे एक डेटा दीजिए, आप मुझे एक डेटा दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने देश में, अरे आप बताइए ना, आप अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, दिल्ली का नहीं है, दिल्ली का लोकसभा का तो मुझे बता दो ना, मोदी जी का है, यही तो मैं भी बात कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ, लोकसभा का है, हाँ लोकसभा का चुनाव हुआ, मोदी जी चले गए, पंजाब में अलायंस नहीं किया ना,
एक अरे नहीं किया, क्यों मतलब किया? नहीं सुनिए, अब इंडी गठबंधन की सरकार बन गई, समझिए अब विधानसभा के चुनाव आएंगे तब अलायंस नहीं होगा ना। अरे आपको उससे क्या अलायंस नहीं होगा ना, मतलब ये 4 जून के बाद सब संपर्क खुल जाएंगे, सभी एक दूसरे को गाली देते ठीक है। लेकिन मैं सर्वेश जी के सवाल को आगे बढ़ाते हुए जानना चाह रही हूँ, अश्विनी जी वाकई आप दावा कर रहे हैं कि आप बेरोजगारी को खत्म करेंगे, आप डिटेल प्लानिंग करेंगे, लेकिन आप ये कोई डेटा नहीं दे रहे हैं कि आपने इतने सालों में दिल्ली या फिर पंजाब में किस तरीके से बेरोजगारी को खत्म करने की कोशिश की है या फिर गरीबी को खत्म करने की कोशिश की है, कोई आंकड़ा नहीं, कोई डेटा नहीं, सिर्फ हवा हवाई बातें तो नहीं है। जब दिल्ली और पंजाब में विधानसभा के चुनाव होंगे तब इसका भी आंकड़ा दिया जाएगा, अभी चुनाव लोकसभा के हो रहे हैं जिसमें वादे मोदी जी ने 2019 लेकिन लड़ तो वही नेता रहे हैं चुनाव जो दिल्ली और पंजाब पर राज करते हैं। आप फिर से बात को डाइवर्ट कर रही है, लोकसभा के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल सरकार रही है उनसे सवाल करने की जगह आप विधानसभा की सरकार से पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, क्यों नहीं? आप सेंटर मैटर की बात करिए, आप सेंटर यूपी में खड़े हो ना, हमारे संविधान में हमारे संविधान में 3 लिस्टें बनाई गई है शाजिया जी, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। जो सेंट्रल लिस्ट होती है उस पर सेंटर काम करना पड़ता है, लोकसभा चुनाव में सेंट्रल लिस्ट की बात होनी चाहिए कि सेंटर में क्या काम किया, सेंटर में क्या डेवलपमेंट किया, अगर हर राज्य ने नौकरी दी है कि नहीं अपने यहाँ के एम्प्लॉय को, तो मुझे ये बता दो कि आपने दिल्ली में कितने लोगों को रोजगार दिया, पंजाब में कितने लोगों को रोजगार दिया, कांग्रेस बताए हिमाचल में, कर्नाटक में, अभी तेलंगाना में, अरे छोड़ो अभी बता दो, पुलिस तो आपसे दिया नहीं, आपने अभी लड़ाई की ना, 5 राज्यों में लड़ा ना, कितने राज्य जीते, कितने राज्य जीते, ठीक है प्लीज प्लीज पोजीशन पर चलिए, प्लीज पोजीशन पे सभी मेहमान अपनी अपनी पोजीशंस पर चले। और संजीव जी मेरा ये सवाल है आपसे कि संजीव जी कोई डेटा नहीं रखा, कोई आंकड़ा नहीं रखा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड तो दिखाएंगे ना जनता को, कुछ तो दिखाएंगे कि हमने इतने सालों में ये दिया और उसके बाद से हमें ये मिला, आपने इतने अंक दिए लेकिन कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें हो रही हैं, जनता विश्वास कैसे करेगी? मतलब 10 साल तक सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी, रिपोर्ट कार्ड दिखाया विपक्षी पार्टी, कमाल की बात है। अरे परीक्षा देना उनको है, उनके पास इतनी लंबी फेरिस्त होनी चाहिए कि सुबह से शाम तक लगातार उस पर बात करें, वो भाग रहे हैं मंगलसूत्र पे बात करें, ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष को भाग रहे हैं भाई, नहीं 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 नहीं, मेरे हर सवाल से ऐतराज, मेरे हर सवाल से ऐतराज, ठीक है सर्वेश जी लौट रही हूँ मैं आपके पास, संजीव जी आप लोगों को मेरे हर सवाल से ऐतराज है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब विपक्ष को विक्टिम कार्ड खेलने की आदत पड़ गई है कि हम विपक्ष में है तो हमसे सवाल मत पूछो, सरकार से पूछ कर आओ सवाल। अब भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा विपक्ष में कौन रहा है, सब ये जानते हैं, विपक्षी पार्टी सरकार से सवाल नहीं करेगी तो किससे सवाल करेगी? फिर मैं पूछ रहा हूँ, आपको भी थोड़ा सा इस सवाल को पलट लेना चाहिए और आपको भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि यहाँ खड़े हैं उनसे पूछना चाहिए कि आप बताएं कि पिछले 10 सालों में आपने कितने बेरोजगारों को रोजगार, 10 गारंटी अभी किसने दी है? तकरीबन 3 लाख से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में अभी जो रिक्तियां हैं वो बाकी पड़ी है, सबसे ज्यादा उसमें रेलवे में है, उसके बारे में बात करें, बैंक के बारे में बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें कि सबसे ज्यादा रिक्तियां उसके पास है, 30 लाख से ज्यादा इस तरह से अभी भी रिक्तियां हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि नए सृजन नहीं कर पाए, कम से कम इसकी भर्तियां कर देते आप। उत्तर प्रदेश को ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जैसा नमूना, ये पूरे हिंदुस्तान को उत्तर प्रदेश जैसा बनाना चाहेंगे। अभी क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, लगातार 11 से ज्यादा बच्चों के एग्जाम्स लीक हुए हैं उसमें, ये पूरे हिंदुस्तान को यही बनाना चाहते हैं। बच्चों से जाके एक बार पूछिए कि बेरोजगारी का आलम क्या है, तो फिर बताएंगे आपको। स्थिति यह है कि बच्चे भी रो रहे हैं और उसके गार्जियन भी रो रहे हैं, ये परीक्षा तक नहीं करा सकते एक, और ये कह रहे हैं कि नजीर हम पेश करेंगे। ठीक है, आंकड़ों के साथ सर्वेश जी आप जवाब रख दीजिए प्लीज। आप मुझे बताइए अभी ईपीएफओ का डेटा आया था, अरे क्या ये देखिए आंकड़े, ईपीएफओ जैसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को आप कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, अरे मुझे बताइए ना भाई 13 राज्यों के अलावे अगर बाकी के राज्यों का डेटा दे दिए, सेंटर का ही चुनाव है ना भाई, जिस राज्य में जिसकी सरकार है उसके परफॉर्मेंस में वहां की जनता सेंटर का वोट दे रही है कि नहीं दे रही है? ईपीएफओ के डेटा के अनुसार अगर इसी बड़ी में 14.5 लाख से ऊपर लोगों को रोजगार मिला, यानी कि वहां पे रजिस्टर हुए, इसमें पूरे भारत वर्ष का डेटा है, ये मैं नहीं कह रहा कि केवल 13 जो बीजेपी शासित प्रदेश है उसी के लोग होंगे, इसमें पूरे भारत वर्ष का डेटा है। आप मुझे बताइए रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी होता है क्या? 1 लाख से ऊपर जो स्टार्टअप भारत में यहाँ एस्टैब्लिश हुए क्या उन्होंने रोजगार नहीं दी? इतने जो किलोमीटर रोड बने, बिहार से मैं आता हूँ, बिहार में 3000 किलोमीटर से ऊपर हाईवे बने हैं, वहाँ क्या लोगों को रोजगार नहीं मिला होगा क्या? बताइए मुझे, बच्चे को उच्च शिक्षा दिला दे हम,
पैसा सारा खर्च कर भाई साहब मैं दूसरे कह रहे हैं कि हम उसको अरे रोड बनाने में क्या इंजीनियर नहीं होता क्या? रोड बनाने में केमिकल इंजीनियर सिविल इंजीनियर नहीं होता है क्या? रोड में काम करे मुझे पता है केमिकल इंजीनियर सिविल इंजीनियर रोड बनाने में नहीं आता क्या? देखिए देखिए नहीं आते आपके पास डेटा नहीं है आपको आता ही नहीं है भाई एक सेकंड सर आप देखिए ये आप लोगों के पास नहीं भाई क्यों नहीं खोला बता दो साजिया इन लोगों के फाइलों में जो आंकड़े होते हैं वो हमेशा गुलाबी होते हैं लेकिन हकीकत में जाके देखिए रोड पर मिल जाते हैं बच्चे आपको दिखाई देंगे बेरोजगारी का आलम क्या है ये किसी से कहने की बात है आप निकलिए तो आपको पता चलेगा सड़कों पर की बेरोजगारी का आलम क्या है और ये हमेशा से ये आंकड़ों लेकर ये सब आंकड़ा क्या करेंगे मुझे बताओ क्या करेंगे बोला दरभंगा के एम्स की बात कर रहे हो मैं आपको 10 सेकंड मैं पटना का एम्स दिखाता हूँ मैं भुवनेश्वर का एम्स दिखाता हूँ मैं रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ है सोनिया गांधी 10 साल में नहीं कर पाई वहां पे बीजेपी के शासन में एम्स बना और उसका उद्घाटन भी हुआ अब बताओ अब क्या दरभंगा में बनेगा जिस तरह पटना में बना है रायबरेली में बना है उसी तरह दरभंगा में भी बनेगा ठीक है अनिल जी आपसे बात कर लेते हैं अनिल जी मैं देख रही हूँ सुबह से सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मैं देख रही हूँ कि खास करके बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं या फिर जितने भी नेता हैं ज्यादातर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि स्वाति मालीवाल हम आपके साथ में हैं स्वाति मालीवाल ये स्वाति मालीवाल वो जो हुआ वो गलत हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ इतनी ही जानकारी चुनाव में किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं उनको बता देते उनके बारे में दे देते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता चुनाव चल रहे हैं जनता भी जानना चाहती है नहीं देखिए स्वाति मालीवाल के बारे में क्यों बोल रहे हैं मैं इसके बारे में आपको एक लॉजिक देना चाहता हूँ स्वाति मालीवाल के इसमें कि स्वाति मालीवाल महिला आयोग दिल्ली की अध्यक्षा रही है राज्यसभा की सदस्य बन रही है तो वो कोई आम महिला नहीं है अगर उसके साथ सीएम हाउस में मारपीट होती है उसके साथ बदतमीजी होती है तो फिर आम आदमी का क्या होगा इस सरकार को जो ये बड़े बड़े वादे अभी 10 गारंटी की आप बात कर रही है एक मिनट भाई आप बोलो पहले मारपीट क्यों हुई पहले आप बोलो मारपीट क्यों हुई है अरे भाई पहले बोल लो ना मुझे बोलने दोगे तो बताएंगे ना जनता को क्यों हुई मारपीट वो तो आप जाके देख लीजिए किसी अरे सुन तो लो ना भैया किसी की भी साथ महिला के साथ मारपीट होना चाहे महिला ने कुछ भी काम किया हो मारपीट करना गलत है अपराध है चाहे वो किस भी कारण से हुई हो आपका कारण को छोड़ दीजिए मैं बता सुन तो लो ना अरे सुन तो लो इनसे पूछे मणिपुर में क्यों नहीं बोले स्वाति मालीवाल बोल रहे वो हमारी बहन बेटी है लेकिन आप मणिपुर पर नहीं बोल मणिपुर पर नहीं बोला संजय खान पे भी बोला बोला संदेश खाली पे भी बोला संदेश खाली पे भी बोला हमने किस पे नहीं बोला हमने सब पे बोला है लेकिन आप अनिल जी जितने चिंतित आप स्वाति मालीवाल को लेकर है उनके सिचुएशन को लेकर है उनकी सुरक्षा को लेकर है इतने ही चिंतित अगर आप देश के हर महिला के लिए होते उसकी सुरक्षा के लिए होते तो आज हमारी कंट्री सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए सुरक्षित होती जो कि है नहीं यही 100% सच है बाहर से भी महिलाएं आती हैं तो कई बार उनके साथ भी छेड़खानी हो जाती है कई केसेस आप भी पढ़ते होंगे हालांकि कार्रवाई होती जरूर है लेकिन अगर इतनी चिंता और देश की महिलाओं के लिए होती बेटियों और बच्चियों के लिए होती तो ज्यादा बेहतर होता आपको नहीं लगता ऐसा बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ किसी भी राज्य की सरकार हो कोई भी राज्य हो भारत के में के अंदर मैं तो कह रहा हूँ पूरे विश्व भर में महिलाओं के साथ सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए कोई समझौता नहीं होना चाहिए जहां जाओ जो घटना घटती है जो जो उसके जिम्मेदार हैं बिना कोई देर गवाए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए मैं इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और उतना ही एक्शन रिएक्शन नेताओं की तरफ से भी आना चाहिए जितना की अभी आ रहा है एक पॉलिटिकल घटना पर कोई कमेंट ऑन साथी आप भारतीय जनता पार्टी का दोहरापन देखिए जब ये स्वाति मालीवाल के साथ एक इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में जब इन्होंने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए थे तब भारतीय जनता पार्टी इनको नौटंकी करने वाला बताया था कि नौटंकी कर रहे स्वाति मालीवाल आज उनके पास वॉशिंग बॉर्डर पहुंच गया तो सब उनके साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं यही भारतीय जनता पार्टी का दौरापन है यही स्वाति मालीवाल के खिलाफ थे ये लोग जब ये इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था तो आप देखिए ये दौरापन है भारतीय जनता पार्टी का कि तब स्वातिया जिनको नौटंकीबाज लग रही थी जब उन्होंने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए थे आज अरविंद केजरीवाल जी के यहां जब उनके वॉशिंग पाउडर पहुंच गया तो स्वाति मालीवाल इनको प्यारी हो गई बड़ी बात जी इन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल के पास वॉशिंग मशीन पहुंच गया देखिए ये अरविंद केजरीवाल इतना अराजक है कि इनके शासनकाल में एक चीफ सेक्रेटरी जो आईएएस ऑफिसर होता है वो भी सुरक्षित नहीं होता है बीच में बैठा के अपने विधायक गुंडों से उनको पिटवाया था और आज उन्हीं की पार्टी की महिला आयोग की अध्यक्ष देखिए स्वाति मालीवाल जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो ना हो वो बात की बात है वो एक महिला है और दिल्ली में रहती है और उस शीश महल में जहां अरविंद केजरीवाल का सीएम हाउस सीएम जहां रहता है वो ऑफिस भी होता है सीएम का वहां पे उनके साथ बदतमीजी
गोलीबारी जी की गई है और देश के आईएएस ऑफिसर के साथ किया गया था, थप्पड़ मारा गया था, ये बात कोर्ट भी पहुंची थी। तो आप अंदाजा लगाइए, न तो वहां पे सरकारी अधिकारी सुरक्षित है, न तो इनके द्वारा खुद अपॉइंटमेंट किए गए जो भी महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित थी। अरविंद केजरीवाल और किसको सुरक्षित रख पाएंगे, किस महिला को आजादी दे पाएंगे? ठीक है, लेकिन रवि अरोड़ा जी, मैं ये देखती हूँ कि जब किसी और महिला के साथ कोई कुछ होता है, कोई बड़ी घटना होती है, कोई बड़ा केस होता है, तो उस समय इस प्रकार से नेताओं के बयान सामने नहीं आ रहे होते हैं, रिएक्शन सामने नहीं आ रहे होते हैं, जितना कि आज आ रहे हैं स्वाति मालीवाल की घटना को लेकर के या स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर के। तो ऐसा क्यों, जनता नहीं समझती है कि ये नेताओं का दोहरा चरित्र है, वाकई ये पॉलिटिकली अफेक्टेड है सब चीजें, जनता नहीं समझती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि स्वाति मालीवाल कोई आम महिला नहीं है, वो ऐसी महिला है जिन्होंने सचमुच में दिल्ली में महिलाओं के लिए इतना काम किया है कि सच में ये बहुत अच्छा काम किया, मैं खुद जानता हूँ इस बात को, और कोई इस बात को इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसने महिला आयोग चलाया, जिसने महिलाओं को सुरक्षा दी, जिसने महिलाओं के लिए, अगर आप कोई भी महिला एक फ़ोन करती थी तो बकायदा महिला आयोग की गाड़ियाँ वहाँ जाती थी, उस महिला को लेकर थाने जाया जाता था, मुकदमा दर्ज कराया जाता था, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। आज उस महिला को मुख्यमंत्री आवास पे उनका ही एक अधिकारी के खिलाफ उन्होंने इस फोन पे कॉल करती हैं, तो ये अपने आप में सचमुच चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जिन महिलाओं को उन्होंने इंसाफ दिलाया, सुनिए, जिनको जस्टिस दिलवाया, उन महिलाओं के आंखों से आंसू निकलने जिन्होंने उनको जस्टिस दिलवाया, और उस महिला के साथ ऐसा हो रहा है, विपक्ष को कुछ नजर नहीं आएगा, उनको कुछ नजर नहीं आएगा, असल में दिक्कत इनको ये नहीं है। ठीक है, हाजी नाजिम साहब, हाजी नाजिम साहब, रवि अरोड़ा जी स्वाति मालीवाल का मुद्दा उठा रहे हैं, आप पहलवानों का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन जब दिल्ली में कंजाबला और बंगाल में संदेश खाली होता है तो जब सब लोग चुप हो जाते हैं, ऐसा क्यों? साजे वो बेटियां नहीं होती है? साजे जी देखिए, मेरे लिए हाथरस की जो बेटी है वो भी मेरी बहन है। संदेश खाली क्यों नहीं निकलता आपकी जुबान से? हाँ सुन तो लीजिए, जो उत्तराखंड की अंकिता भंडारी वो भी मेरी बहन बेटी है, और उन्नाव की जो बेटी है वो भी मेरी बहन बेटी है, लेकिन जब बात आती है इंसाफ की तो ये लोग क्या कहते हैं, हम स्वाति मालीवाल के साथ खड़े हुए, कभी संदेश खाली के इन्होंने कहा कि ये मणिपुर की बहन बेटियों के साथ खड़े, लेकिन विपक्ष हमेशा बहन बेटियों के साथ खड़ा है उनको इंसाफ दिलाने के लिए। और आज मैं एक बात और आपको बता दूं, जब ये अग्निवीर की बात चल रही थी, हम देखिए सत्ता में रहने के बाद बाप के सामने बेटों को कभी रिटायरमेंट नहीं होने देंगे, ये चाहते थे कि बाप के सामने। अभी अभी कुछ दिन पहले अर्चना गौतम, देखा था किस तरीके से धक्का मुक्की हुई थी, अर्चना गौतम कांग्रेस प्रियंका गांधी से मुलाकात करने गई थी, हाँ, देखा था आपने, वो बहू बेटी कुछ है? सुन लीजिए, देखिए मैं तो आपको बताता हूँ, जब राहुल गांधी जी एक प्रोग्राम को संबोधित करके चलते हैं, उनको किस तरीके से धक्का दिया जाता है, झाड़ी पे गिरते हैं, वो बात हाजी नाजिम नहीं भूलेगा, लेकिन ये भूल गए। और मैं एक चीज और बता दूं कि जब हम सत्ता में होंगे तो इन लोगों को पूरा बोलने का मौका देंगे, ये विपक्ष में होंगे, लेकिन इन लोगों ने क्या काम करा सत्ता में होने के बाद, हम विपक्ष को दबाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन हम इनको पूरा मौका देंगे बोलने का। और एक चीज जो राहुल गांधी जी ने कहा कि देखिए मोदी जी देख लिए बौखला गए हैं, अडानी अंबानी का नाम ले रहे हैं, टेम्पो में पैसा भर के आ रहा, तो ये बता दीजिए, इतना तो राहुल गांधी जी ने जब बोल दिया, तो अब जब देश के जो वजीर आजम है उन्होंने आज तक अडानी अंबानी पे क्यों कार्रवाई नहीं करी, उन्हें ये तो पता है कि टेम्पो में भर भर के पैसा आ रहा, कहां से पैसा आ रहा है, ईडी को नहीं बताया, सीबीआई को नहीं बताया, आप भेज दीजिए ना, पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन वहां पे तो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी के पीछे ईडी और सीबीआई को भेज दिया जाता, जो कि एक आरोप उन पर लगाया जाता, लेकिन वो दोषी नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें 21 दिन का टाइम दिया, ये हमें ईश्वरीय शक्ति है, अल्लाह का शुक्र है, हम देश के अंदर ईश्वरीय शक्ति है। ठीक है, बात है शाजिया जी जी, 21 दिन सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको इजाजत दिया, और इस वादे के साथ, इस आदेश के साथ कि 2 तारीख को आप बाइज्जत वापस जेल में आएंगे, और ये खुशी मना रहे, इनको इस बात की शर्म नहीं आ रही कि देश के एक राजधानी के मुख्यमंत्री करते सुप्रीम कोर्ट की, हम भी करते हैं, स्वीकार करा, सारे करते सारे करते, इस बात की शर्म आनी चाहिए कि देश का राजधानी में बैठा दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसके आरोप तय हो गया, सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल पा रही, रिलीफ नहीं मिल पा रही, सुन लो ना, पहले अपनी बात। लेकिन अनिल जी, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल पूरे दमखम के साथ इस बार रोड शोज कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि इंडी गठबंधन में भविष्य में सबसे बड़ा कद के नेता अरविंद केजरीवाल ही होने वाले? मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि उनकी आपस की लड़ाई है, अरविंद केजरीवाल ने पहला
बयान दिया भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं को और बाकी को लेके, उनको ना अपने नेताओं का कुछ पता है ना इंडी गठबंधन के नेताओं को पता है। उनसे पूछ लीजिए जो ये 10 वादे किए गए हैं पंजाब में जाके इन वादों को दोहराएंगे या कांग्रेस इन वादों को दोहराएगी या दोनों मिलकर। हाँ हाँ, भारत के अंदर एक स्टेट है, पंजाब एक स्टेट है, सुन लीजिए, पूरे भारत के अंदर ये पूरे भारत के अंदर ये सब वादे लागू होंगे ये मान के चलिए। अरे सुन लीजिए, लोकसभा पूरे भारत के अंदर आप एक राज्य की सीटों, मैं ये कह रहा हूँ अभी तो इंडी गठबंधन में इतना भी एका नहीं है। अभी जो बात कर रहे थे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन गया है, मिलके ही बात की है, यहाँ नेता है तो क्या हो गया, कंसिक्वेंस बना हुआ है, सबका आपस में मिला हुआ है, सारे साथ मिलके भी जेल में जब गए होंगे तो सब बारी बारी से जाने की सोच रहे होंगे, केजरीवाल जी आप थोड़ा आराम कर लो, हमारी तो आपस में बड़ा एका, बारी बारी से चले जाएंगे, क्या है बड़ी बात, एक पॉइंट की बात कही है बिल्कुल। पंजाब में जाएंगे तो ये अपने 10 वादे गारंटी गिनाएंगे, वो अपनी 5 गारंटी राहुल गांधी गिनाएंगे या अखिलेश पीडीए गिनाएंगे, कौन क्या गिनाएगा। रवि अरुण जी, एक पॉइंट की बात, जल्दी से इस पर रिएक्शन दीजिएगा कि अभी तो एका नजर नहीं आता है, मीटिंग्स में बुला रहे थे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई वक्त ले रहा है, कोई कोई बयानबाजी कर दे रहा है, तो बाद में क्या एका होगा जब 10 गारंटीज को पूरा करना होगा। 4 तारीख के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, एका इंडी गठबंधन दिखाई भी नहीं देगा, सच्चाई तो ये है। उसका कारण मैं बताता हूँ आपको, आज ये अलायंस मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अलायंस दिल्ली में हुआ है और इंडी गठबंधन की बात हो रही है, पंजाब में क्यों नहीं दी इन्होंने सीटें, अगर कल को विधानसभा चुनाव होते हैं तब उनको मंच नहीं देंगे, उनको गालियां देते हुए नजर आएंगे। ये इंडी गठबंधन को ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, 4 तारीख के बाद ये, आप 5 साल स्थायी सरकार देने की बात करते हैं, मैं कहता हूँ ये 4 तारीख के बाद सब खत्म हो जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, कुछ भी नहीं है, किसी में भी दम नहीं है, क्योंकि ये सभी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करो, चाहे टीएमसी ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया, और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, पूरे देश के अंदर इंडी गठबंधन का चलना बहुत मुश्किल है। जो भी आएंगे अगर ये जीत भी जाते हैं तो पहले ही 4 तारीख के बाद ही मंत्री अपने प्रोफाइल मांगेंगे, मंत्रालय मांगेंगे, उस पर ही इनका क्लेश हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी का कभी भी अलायंस लंबा नहीं चल सकता, क्योंकि दिल्ली में अभी भी आपने देखा किस प्रकार से कन्हैया कुमार को लेकर अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, तो आज भी फिलहाल बहुत इनकी हालत खराब है, ना सिर्फ कांग्रेस की बल्कि आम आदमी पार्टी की भी। लोकसभा में इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला दिल्ली के अंदर, खासकर पंजाब में कुछ सीटें जरूर लेके आएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ये अरविंद केजरीवाल ने आज मीटिंग भी बुलाई है पार्षदों की, उनको ये बताया गया है कि 4 तारीख के बाद अगर मैं कुछ, अगर इंडी गठबंधन आ गया तो मैं बाहर आऊंगा, नहीं तो अभी फिलहाल मुझे भूल जाओ। ठीक है सर्वेश जी, सर्वेश जी आ रहे, ठीक है ठीक है सर्वेश जी, जिस हिसाब से इंडी गठबंधन दावा कर रहा है कि इस बार सरकार तो हमारी आएगी, पूरे दमखम के साथ आएगी, क्या लगता है आपको, कोई बातों में वजन है या नहीं, या फिर मोदी मैजिक अभी भी कायम है, बरकरार है? देखिए साजिया जी, वो खोखला वादा है, हम तथ्यों की बात करते हैं, हम बात करते हैं जो पार्टी एक राज्य में गठबंधन करती है दूसरे राज्य में, उसके आमने सामने सेम चुनाव हो रहा है, सेम लोकसभा चुनाव में आमने सामने फाइट करती है, तो वजन कहां से आ जाएगा। सबसे बड़ा इस गठबंधन का नेता कौन होता, ममता बनर्जी, वहां पे 42 सीटें थी साजिया जी, वहां पे कांग्रेस को क्या मिला, कुछ नहीं मिला, दूसरे पार्टी को कुछ नहीं मिला। सबसे बड़ा राज्य यूपी है, यूपी में 80 सीटें हैं साजिया जी, देख लीजिए आप पूरा लोकसभा आपका लिस्ट, जो यूपी जीता है वही सेंटर में सरकार बनाता है, चाहे वाजपेयी जी के समय हो या उसके बाद हारने के बाद जो यूपी से गठबंधन बना था मुलायम सिंह मायावती यूपीए के लिए, यहां पे इनकी बात नहीं है, यहां पे ये मात्र 17 सीट पे कांग्रेस लड़ रही है, इनका जो वादा है खोखलापन है, अगर जीतने का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता, मैं तो सपने में भी ऐसा सपना कहीं भी नहीं देख रहा हूं कि इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है। दूसरी बात, इसलिए खोखला होता है कि बीजेपी के जितने भी अलायंस हैं आपस में मिलके एक कॉमन मिनिमम हो या जो भी हो उनके अंदर में जो बात होती है उस पर वो चलते हैं। मुझे बता दीजिए ना, इस पार्टी में कौन सा नेता मिला है ठीक से चला है, उधर वो हट गया पहले, अब नीतीश जी आ गए बीजेपी में, लेकिन जैसे ही उनको हटाया था उसके बाद वो भी दग गए थे, स्टालिन अभी इनके पार्ट में है लेकिन कितना सीट उन्होंने तमिलनाडु में बीजेपी को, सॉरी कांग्रेस को दिया, आप ये अंदाजा लगा लीजिए। महाराष्ट्र में शिवसेना ने इनके सीट पे अपना कैंडिडेट, उद्धव ठाकरे वाली बात कर रहा हूं, इनके सीट पे अपना कैंडिडेट पहले ही घोषित कर दिया, तो जब अभी इनके में सामंजस्य नहीं है, एकता नहीं है, तो जब सरकार बन जाएगी तो यहां पे हर पार्टी इंडी गठबंधन का जो मुखिया है अपने आप को प्रधानमंत्री पद पे सुशोभित होना चाहता है, देखना चाहता है, तब किस तरीके से ये सामंजस्य बताएंगे साजिया जी। अब इस बात का प्रमाण किसी के पास नहीं है, जवाब किसी के पास नहीं है।